सुनीति जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी में, ताकि स्वस्थ रहें आप। भाई हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं अजवाइन की। अगर आप अजवाइन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो भाई आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और बहुत सारी परेशानियां दूर होने के साथ साथ बहुत सारे आपको फायदे भी मिल सकते हैं। अजवाइन तो आपकी रसोई में मौजूद है ही, भाई कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो दूर हो सकती हैं ये तो हम जानेंगे ही। कब और कैसे आप अजवाइन का सही तरीके से इस्तेमाल करके या फिर सेवन करके अपनी दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ स्वस्थ रह सकते हैं, यही आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे। तो आज हम अजवाइन की ढेर सारी खूबियां तो जानेंगे, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे नारियल पानी की ढेर सारी खूबियां, ढेर सारे फायदे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे अजवाइन आपको रख सकता है फिट एंड हेल्दी। अजवाइन से दूर कीजिए जोड़ों का दर्द। अजवाइन से गैस की प्रॉब्लम कीजिए कम। अजवाइन से होगा हार्ट स्ट्रॉन्ग। अजवाइन से होगा डाइजेशन दुरुस्त। अजवाइन रखेगी आपको तंदुरुस्त। इसीलिए अजवाइन खाइए, सेहत बनाइए। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि आयुर्वेद में अजवाइन के बारे में क्या कुछ खास लिखा हुआ है, कौन कौन से गुण होते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, छोटा सा अजवाइन होता है, ऐसा कहा जाता है कि सर्दी से बचने के लिए अजवाइन का सेवन करो क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। और क्या क्या आयुर्वेद में इसके बारे में है? देखिये, आयुर्वेद में बहुत सारे गुण है अजवाइन के। सबसे पहले तो पाचन के लिए बहुत अच्छा है, वायु का शमन करता है और आमतौर पर मसालों में इसीलिए इसका प्रयोग होता है कि ये हमारे पाचन के लिए खास तौर से वातानुलोमक है ये। इसके अतिरिक्त दर्दनाशक भी है, पेन किलर का भी काम करता है, बहुत बढ़िया। दांतों के लिए बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, खास तौर से महिलाओं का जो गर्भाशय है उसकी शुद्धि के लिए, यूट्रस की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है, उस समय भी अजवाइन का थोड़ा सा सेवन कराया जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लिवर के लिए अच्छा है, स्प्लीन के लिए अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी सारे गुण हैं। वात और पित्त को ये कम करता है हमारे शरीर में और अच्छा काम करता है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। बरेली से देव ठाकुर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जैसे ही मेरे को जुकाम लगता है जी तो मैं उसके लिए टैबलेट वगैरह ले लेता हूँ तो जुकाम तो ठीक हो जाता है पर काफ़ी दिनों तक मेरे मतलब दिमाग भारी भारी सा रहता है। तो मतलब किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, कुछ टेस्ट नहीं लगता, मतलब मलगम टाइप जम जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, देखिए कई बार क्या होता है कि जुकाम यानी कि रनिंग नोज होता है ना, आपको छींकें आती है, नाक बहती है और वो जो बह रहा है वो एक तरह से दूषित हमारा कफ है। तो उसको कई बार दवाई लेकर हम रोक देते हैं। कई बार दवाई ली आपने, मोस्टली अंग्रेजी दवाई का काम होता है कि उसको सुखा देगी और वो सूख जाएगा तो नाक में भी जो है सूखेगा, ब्रेन में भी भारीपन होगा। कई बार लोगों को मैंने देखा उसके बाद खांसी भी हो जाती है क्योंकि बलगम को सुखा देते हैं। तो आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, हम उस दूषित कफ को बैलेंस करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो औषधियाँ दी जाती हैं वो सुखाने वाली नहीं है, वो उस दूषित कफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको बिल्कुल नष्ट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं, मैं आपसे कहूँगा। और आप चाहें तो आप एक चीज़ ट्राई करिए, आपको अभी फ़र्क पड़ेगा उससे। दो चीज़ें आपको लेनी है, सौंठ और मुलेठी। मुलेठी और सौंठ को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए और इसमें से जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच दिन में 2 बार आप लीजिए, शहद में मिला करके चाट लीजिए, चाहे हल्का सा गुनगुने पानी के साथ उसको सेवन कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको जैसा मैं बताता हूँ कि केवल ये डॉक्टर का काम नहीं है कि कोई भी रोग हुआ आपको तो डॉक्टर के पास चले गए जी, सीधे भागे वहाँ पर और अपना बताओ जी मुझे क्या क्या करना है, मुझे दवाई दीजिए ठीक करिए। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि हमें जो बुद्धि मिली है उसका प्रयोग यदि करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। कि अगर नाक में आपके कुछ बलगम आ रहा है या नाक बंद हो गई है तो नाक खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें, तो इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप अगर टच में बने रहेंगे हमेशा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं, नुस्खे आपको कई मिलते रहते हैं जैसे कि हम अपने शो के माध्यम से करते हैं। अजवाइन के रोजाना सेवन से थायराइड की समस्या से भी बचा जा सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, अजवाइन किस तरह का कमाल दिखा सकता है अगर किसी को थायराइड हो तो? देखिए, प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली फायदा करता है क्योंकि एक तरह से जो थायराइड है वो हमारा मेटाबॉलिज्म में काम करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे थायराइड का कनेक्शन मेटाबॉलिज्म के साथ है, तो अगर हम अजवाइन का सेवन करते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा पाचन अच्छा होता है, तो इसलिए हमारे थायराइड का फंक्शन भी अच्छा रहता है। दूसरा, इसमें जो है दूसरा एंगल अगर लगाएं तो हमारे शरीर में कुछ चीज़ों का शोधन भी करता है, तो स्रोत शुद्धि भी करता है, चैनल्स की शुद्धि। जैसे मैंने गर्भाशय शुद्धि की बात की, गर्भाशय शुद्धि करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको ये नियमित रूप से उनका श्रवण हो ठीक, उनका जो है एक तरह से सीक्रेशन सही रहे, उस पर भी काम करता है अजवाइन, इसीलिए इसको थायराइड के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है। और प्रिवेंशन में डेफिनेटली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते रहेंगे तो हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम से आप बचे रहें। अहमदाबाद से मनीषा जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। अच्छा जी। चेहरे पे झाइयाँ भी हो गई हैं काफी। देखिए, जो झाइयाँ होती है और अंडर आई जो आपका डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। ख़ास तौर से महिलाओं में मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं कि अगर उनका मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो, यानी कि उनका मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं है, उसमें कुछ खराबी है, तो वो एक बड़ा कारण होता है। या उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी या लिकोरिया जिसको बोलते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हो, उसमें भी मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले कारण को ही देखना है क्यों हो रहा है। अगर ये कारण नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे त्वचा में कोई टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हैं या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया है पेट में, उसकी वजह से कोई चीज़ हमारी त्वचा को जो ख़राब कर रही है। या एक लेटेस्ट कारण जो है आजकल बड़ा पॉपुलर कारण है वो है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। नींद अगर प्रॉपर आपको नहीं आती उसकी वजह से भी होते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण भी डार्क सर्कल या आंखों के नीचे काले घेरे जो आपने कहा स्मोकिंग की वजह से भी होते हैं। तो कारण को हमेशा देखना चाहिए, क्या कारण हो सकता है, मेरे केस में क्या कारण हो सकता है, और उस कारण को पहले आपको हटाना है। अब दूसरी बात करते हैं उपचार की। बहुत अच्छे उपचार हैं, कारण के अनुसार करेंगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ सिंपल घरेलू नुस्खे जो हम बताते हैं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा काम करती है। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करिए, हल्का सा गुनगुना पानी लेके उससे चेहरे को धोइए, तौलिए से पोंछ लीजिए अच्छे प्रकार से, और बादाम के तेल से मसाज करिए, जेंटल मसाज करिए, बहुत बढ़िया है। कभी सप्ताह में एक आध बार बेसन का लेप बना करके लगाइए, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमेशा कारण को जरूर हटाना चाहिए। कारण यदि आपको नहीं मालूम है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करिए, उनसे बातचीत करिए और अपने रोग के कारण को जरूर जानिए। आज हम बात कर रहे हैं अजवाइन की। चलिए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि अजवाइन के सेवन से हम कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से रोग हैं जिन्हें हम दूर भगा सकते हैं? देखिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट में गैस हो, अफारा हो, पेट दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा है अजवाइन। इसके अलावा जो हमारे फेफड़े के रोग हैं, आपको अगर दमा है, खांसी है, बलगम होती है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर लिवर के लिए, हमने कहा कि लिवर के लिए बहुत अच्छा है, स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ रक्त के जो रोग होते हैं कई बार, या भूख कम लगती है, उसमें भी आपको फ़ायदा करता है। वात का शमन, वात का कोई रोग हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, उसमें भी कई बार हम अजवाइन का सेवन आपको बताते हैं। और महिलाओं में मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर उनको पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, उसमें भी जो हमारी अपान वायु है उसको वो ठीक करता है अजवाइन। अंकित जुड़ गए हैं भोपाल से, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन मेरे फादर के लिए है। मेरे फादर को सांस बहुत ज्यादा फूलती है, जैसे थोड़ी देर चल लेते हैं तो उसके बाद सांस ज्यादा फूलती है उनकी, तो ऐसा किस कारण से है सर उनका? देखिए, चलने पर अगर सांस फूलती है तो कई कारण उसके होते हैं। आपके जो मेन का हार्ट, हृदय जो है, हृदय जो खून को पंप नहीं कर पाता है, यानी कि हार्ट कमज़ोर हो सकता है कि ये कारण होता है। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बॉडी में फैट ज़्यादा है, वो भी एक कारण होता है। या फेफड़ों में कहीं बलगम जमी हुई है तो वो भी एक कारण हो सकता है। कारण तो कई होते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आपको बैठे बैठे सांस नहीं फूलता है, खांसी वगैरह नहीं है, बलगम नहीं है, कंजेशन नहीं है, और केवल चलने पर ही आपको जो है सांस फूलता है, तो उसमें मुख्य रूप से हम हार्ट को मजबूत करने के लिए दवाइयाँ देती हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा उनको पिलाइए कुछ दिन आप। अर्जुन की छाल उबाल करके एक थोड़ा सा कूट करके रख लो, एक बड़ा चम्मच एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालें, आधा गिलास जब बच जाए तो उनको पिलाइए। चाहे तो थोड़ा सा शहद भी मिला दीजिए उसमें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये उनको पिलाने से मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ना चाहिए। साथ में उनकी चेस्ट में थोड़ी सी मालिश करिए, और चाहे तो पूरे शरीर में ही हफ्ते में 1-2 बार तिल के तेल की मालिश करने से उनको लाभ मिलेगा। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अजवाइन को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, अजवाइन काफ़ी गुणकारी है और सबसे पहले पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक तरीका अच्छा है कि 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में रात को अच्छी तरह से उबाल लें, उसको रात भर रखा रहने दें, सुबह उसको ठंडा ही छान करके आप पिए, तो उससे जो है आपको पेट दर्द, गैस, अफारा, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये ठीक होती हैं। और इंस्टेंटली कभी दर्द हो रहा है तो उसमें इंस्टेंट आप आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी से ले लें तो अच्छा रहेगा। बल्कि उसमें थोड़ा हींग मिला करके लें, भुना हुआ आधा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर भुना हुआ हींग गर्म पानी से ले लें तो बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से 1 चम्मच अजवाइन को भून लीजिए और भून करके उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए अच्छी तरह। आधा गिलास बचे तो उसको छान कर रख दीजिए, थोड़ी मिश्री मिला के पी लीजिए, तो जैसे डकारें आती हैं, कई बार जलन होती है, पेट में एसिडिटी होती है, उसमें भी फ़र्क डालेगा। अगर किसी कीड़े ने काट लिया, इंसेक्ट बाइट कोई है, तो अजवाइन को पीस करके वहाँ लगाएंगे, उसमें लाभ मिलेगा। अजवाइन और अजवाइन का तेल कान के दर्द में भी आपको लाभ पहुँचाएगा। तो देखा आपने, बहुत सारे फायदे हैं अजवाइन के, लेकिन एक दिन में हमें कितना अजवाइन लेना चाहिए, अजवाइन का सेवन कितनी मात्रा में होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या इसको लेकर कोई सावधानी भी, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, अजवाइन जैसे कि आपने कहा इतने ही फायदेमंद है, लेकिन फिर भी हर चीज की एक मात्रा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 1/2 से 1 चम्मच इसकी एक डोज होती है। लेकिन आपने सही कहा कि कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, वो दिन भर कुछ अजवाइन खाते रहते हैं, 1-1 पाव तक अजवाइन खा जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई अच्छी चीज़ भी होती है, उसको भी ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाएंगे उसके भी नुकसान होते हैं। तो 1/2 चम्मच से 1 चम्मच तक दिन भर में सेवन किया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अंदर जाएगी, कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगी। दिल्ली से युग जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। युग बात कर रहा हूँ दिल्ली से जी। और सर मेरी एज 25 है, और सर मेरी एक प्रॉब्लम भी है कि सर मुझे गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, और सर दूसरा मेरा नेचर अब कुछ टाइम से मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मतलब मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ सर। देखिए, गैस अगर बनेगी पेट में तो चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, शरीर में सुस्ती भी आ सकती है, शरीर में कई प्रकार के जो है और भी विकार आ सकते हैं। गैस बनने का मतलब है कि आपका जो भोजन है वो ठीक से नहीं पच रहा है। और 25 साल की आयु है तो मैं तो आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर निकलो, सुबह उठ करके जल्दी पार्क में जाइए, थोड़ा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, उछल कूद करिए। अभी आप उस एज में हैं कि आप तो एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं अपने। एक्सरसाइज जो है हमारे पेट को, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तेल की मालिश करिए, खाने का थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बीमारी ये है कि खाना हमारा जो है बहुत दूषित हो गया है, जंक फूड बड़ा पॉपुलर हो गया है। जंक यानी कि कूड़ा खाने की आदत कुछ ज़्यादा पड़ गई है हम लोगों को, और इसके साथ साथ पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आ गई। फास्ट फूड कहते हैं जी, टाइम नहीं है, फास्ट फूड खाते हैं। तो हम आपको कहते हैं आप सुपर फास्ट फूड खाइए, आप बादाम खाइए, किशमिश खाइए, सेब खाइए, केला खाइए, कुछ करना ही नहीं है उसमें। फास्ट फूड तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। सुपर फास्ट फूड खाइए, उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत है और कुछ करना भी नहीं है आपको। तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और मन को और जीभ को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर बुद्धि दी गई है, तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है, मैंने आपको सिंपल तरीके से, कोई औषधि भी शायद मैंने नहीं बताई है आपको, लेकिन आपको मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी आप औषधि वाली उम्र नहीं है आपकी। अनटिल एंड अनलेस की बहुत भयंकर बीमारी आपको हो गई है तो फिर दिल्ली में हमारी क्लिनिक में आ जाइए, आप डॉक्टर से मिल करके कुछ दवाई ले लीजिए। अदरवाइज तो ये करेंगे, मुझे उम्मीद है इसी से आपको 3-4 सप्ताह में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। खाना थोड़ा ठीक करिए, अपना एक्सरसाइज करिए, तेल की मालिश करिए, और ज़्यादा है तो कुछ थोड़ा सा भोजन के बाद सौंफ खाइए। सौंफ बहुत अच्छी रहती है पाचन के लिए। हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं खाना बनाते समय। अजवाइन की हम बात कर रहे हैं, अजवाइन का सेवन कर सकते हैं आप। आधा चम्मच अजवाइन पानी में उबाल करके वो खाना खाते समय पी लीजिए, थोड़ी अदरक भी डाल लीजिए उसमें। तो सॉल्यूशन बहुत है, सिंपल सॉल्यूशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेट को ठीक रखना बहुत आवश्यक है।